विश्वं दर्पण जिद्द पूरे नहीं। तब उसको जो बहुत प्यारी चीज थी,
था, चॉकलेट था, मिठाई थी, दूध नहीं जा रहा था, सब कुछ दिखा दिया। अरे बाबा पहले ले तो इच्छा तो खिड़की पर से उतर के आ गया, आ गया तो पकड़ लिया, मैं तो दूध पड़ता जिंदी बात। तो हमारे मन को जब कोई अच्छी चीज मिल जाए तब वो दुनिया की जो छोटी मोटी चीजें हैं उनको छोड़ देता है। वो सबसे बड़ी चीज क्या है, लालय चित्त बालकम, ये हमारा मन एक बच्चे की तरह है जिसका ढंग से लाड़ करना पड़ता है। चपत मारने से बच्चा ठीक नहीं होता, चिल्लाने से बच्चा ठीक नहीं होता, उसके लिए युक्ति चाहिए, युक्ति। अध्यात्म विद्या अधिगमन, बालक का मनोविज्ञान समझो, साधु संगत देव जब उसको अच्छे बालकों का संग दो, वासना सब परित्याग, वो तो तरह तरह की चीज मुंह में डालने लगता है, चाहे जिसको पकड़ने लगता है, धीरे धीरे उसको समझाओ कि ये गंदी बात है, और उसको थोड़ा स्थिर होना भी जैसे खेलना सिखाते हैं वैसे बैठना भी सिखाना चाहिए। एक आस्था युक्त अपुष्टा संचित जय विलस, अपने मन को वश में करने के लिए इन युक्तियों की आवश्यकता होती है। तो आओ राधा अवर किरण से बारिश में पूर को अपने मन से भगवान के चरणारविंद को पकड़ लो। उसमें भगवान के चरण की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा वो निराकार हुए कि साकार, उनके चरण हुए कि न, और वो काले हुए कि गोरे हुए, दिखे कि न दिखे, जिस दिल से तुमने संसार की वस्तुओं के लिए आग्रह जोड़ रखा है उसी दिल से भगवान के चरणारविंद को पकड़। उनके होने न होने का सवाल नहीं है, काला गोरा होने का सवाल नहीं है, छोटा बड़ा होने का सवाल नहीं है। आपके मन में चरणारविंद की एक रेखा खिंच जाए और विश्वास से उसको पकड़ ले, कहीं जाना है नहीं, कुछ देना है नहीं, कुछ करना है नहीं, इतनी आसान बात है। बच्चे जिद करते हमारे साथ वहां चलो, अजीब से हो, कोई कमर पकड़ता, कोई हाथ पकड़ता, निकता आ चलना वहां, हम भी जिद कर जाते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो पांच सात बच्चे भी लगे अपने को छुड़ाने के लिए, खींचने के लिए, और हम एक खंभा पकड़ के चिपट जाए उसके साथ, दोनों हाथ जोड़ के, दोनों हाथ से चिपट जाए। अब महाराज कोई कितनी भी कोशिश करे हमको खंभा छोड़ दे, तो ये खंभे की पकड़ चाहिए। भागवत में आया है मर्त्यो मृत्यु व्याल भी संपदा सर्वान लोकान निर्भय स्वत्पादाब्जम प्राप्य जदृशया स्वस्थे मृत्यु रक्षमादी। ये मौत से घिरा हुआ मनुष्य मौत के सांस एक अजगर से डर करके भागने लगा, तीन लोक में भटकते 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 कहीं भी इसको शरण लेने की जगह नहीं मिली। जब भगवान के चरणारविंद रूप धन्वंतरी मिल गए, बाण दुपट्टा सो गए, मृत्यु रक्षमाद वही दीन, स्वस्थ होकर सो गया और मौत उसको छोड़कर भाग गई। तो छोड़ने के लिए कोई चीज नहीं है, किसी चीज ने नहीं पकड़ रखा है, हमारे मन ने पकड़ रखा है। जो छोड़ना है, मन की जो पकड़ है उससे मुक्त होना है। वृंदावन में बोलते हैं काहू के बल भजन को काहू के आकार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवर पांव बसा। भरोसा चाहिए हो ईश्वर का, भरोसा चाहिए तब आप संसार संबंधी जितना भी ग्रह है कोई ग्रह आपको नहीं पता रहे, ग्रह माने आग्रह और वो आपके मन का। जो सातवें आसमान में ग्रह रहते हैं
चांद में रहती है। पूछा दुस्थिति आपके पंचांग में इस साल कितनी बरसा है, तो पंचांग निकाला ज्योति ने और सुधार दिया, एक वोट भी नहीं है हमारे पंचांग में, एक वोट भी पानी नहीं। गुजरात जो बाहर रहते हैं वो अलग, जो भीतर रहते हैं वो अलग, और यहाँ संग्रह है, विग्रह है, परिग्रह है, ये दुराग्रह है, ये ग्रह होते हैं। तो संसार में दुख जो है ये इसी नासमझी से होने वाले दुराग्रह में है। एक वैष्णव शैव को देख के दुखी होता है और एक शैव वैष्णव को देख कर दुखी होता है, तो दुख शैव में है कि वैष्णव में है? अरे न शैव में है न वैष्णव में है, दुख तो अपने मन के आग्रह में है। ये आग्रह छूटे कैसे? जिस मन से तुमने आग्रह पकड़ रखा है उस मन से भगवान के चरणार विद को पकड़ लिया। सदा समुद्र युद्ध में भिजा असंग्रह, बस संसार का सब कुछ होता है। प्रहलाद जी ने जब ऐसे कहा तो आखिर तो प्रार्थना करो, उसने कहा कि हमारा निर्माता बालक झूठों की तरफ बात कर रहा है, तो कहीं कुछ दुश्मन से आदमी छिपे हुए होंगे और उसको सिखाते हैं, क्योंकि इसकी बुद्धि तो उतनी नहीं है, ये तो देवताओं वाली बात कर रहा है। बोले ठीक है, जहात बुद्धि बालाराम विद्यते पर बुद्धि भी, बालक अपनी बुद्धि से काम नहीं करता है, दूसरे लोग सिखा देते हैं उसके अनुसार काम। अब मुंबई में कई बात कहने लायक नहीं है, लेकिन शास्त्र में ऐसी बात है, बाला नाम जो है ना, बाला नाम उसका दोनों अर्थ होता है, स्त्री और बालक, बाला माने स्त्री और बाल माने बालक, और दोनों के सच्ची बहुवचन में रूप होता है बाला नाम। मरा ये भी परहस्त गता गता, जैसे कलम जब दूसरे के हाथ में जाती है तो वो फिर ठीक ढंग से लौट के नहीं आते हो, उसका जो कोण है ना, अपने लिखने का जो कोण है उसमें फर्क पड़ जाता है। वैसे ये बालक और स्त्री जब दूसरे के हाथ में पड़ जाती हैं तो ये लौट के नहीं आते हैं। बम्बई वालों से भी होगा, क्योंकि उनके लिए तो अपने पराये का कोई भेद ही नहीं, तो उनको बुरा मत मानना। लेखनी पुस्तकी नारी परहस्तगता गता, कलम किताब और स्त्री बालक, ये जब तुम तरह के हाथ में पड़ गए तो पड़ गए कि किताब जो लोग ले जाते हैं ऐसे बिगाड़ के लाते हैं, दूसरों की बुद्धि जिनके ऊपर प्रभाव डाल देती है और स्वयं भगवान से बुद्धि नहीं देते हैं, अंतर्दृष्टि से बुद्धि लेंगे तो सब में भगवान दिखेंगे और बाहर से बुद्धि लेंगे तो भेद ही भेद दिखेगा। आप अपनी बुद्धि के बारे में थोड़ा विचार करो कि वो बाहर से सीखती है कि भीतर जो सिखाने वाला बैठा है, अपनी माँ है, अपना पिता है, अपना गुरु है, उससे बुद्धि लेते हो तुम कि बाहर की दुनिया को देख करके बुद्धि लेते हो? बोले अरे ये हमारा बालक है ना, अभी छोटा बालक है, हमारे दुश्मनों ने वो तोड़ लिया है। तो बोले देखो ये गुरु के घर में पढ़ने जाता है ना, चक्रवर्ती सम्राट नहीं त्रिलोकी का सम्राट था, हिरण्य का देखो, लेकिन उसका बालक गुरु के घर में पढ़ने के लिए जाता था। महाराज हमारे परिचित सज्जन ट्यूशन करते थे, तो उन्होंने एक दिन आके हमसे पूछा, महाराज मैं लड़की को पढ़ाने जाता हूँ, तो लड़की हमको देती है चिट्ठी, कहती है तुम इस लड़के को ले जाके दे देना, अब हम ना कर दें तो धमकाती है, तो नहीं ले जाओगे तो देखो हम कल ही निकलवा देंगे। ये ड्राइवर होते हैं ना हमारे बड़े लोगों के घर में, जो ड्राइवर होते हैं स्त्री उनसे बहुत काम लेते हैं, और यदि उनकी बात न माने, पुरुष की बात मानने लग जाए तो दूसरे से शिकायत करके निकलवा दें, तो उनका सामर्थ्य होता है। तो जहाँ गुरु को ये मालूम पड़ता है कि हम इनके नौकर हैं,
क्या काम करेंगे और क्या पढ़ाएंगे, बालक क्या सीखेगा, उनको बोले सब देखभाल करो। बालक की देखभाल होनी चाहिए कि कहीं ये देवताओं के पक्षपाती कुछ छिप के हमारे बच्चे की अकल बिगाड़ देना हो। अब महाराज गुरु के घर में आए, प्रणाम ले आए, वो पुरोहितों ने बड़ी मीठी मीठी बात कहे, प्रत्यक्ष लक्षण हुआ था, प्रशंसा की, प्रहलाद तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारी प्रतिभा बहुत अच्छी है, तुम अपने पिता के बहुत प्यारे हो, किसी प्रोटी के प्राप्त हो। और उसके बाद उन्होंने खूब समझा बुझा के पूछा कि ये जो तुम्हें बुद्धि ऐसी प्राप्त हुई है भगवान का भजन करना चाहिए, तुमको ये अकल कहां से मिली, सच सच बताओ, झूठ मत बोलो। बुद्ध देव परकृत उदाहो देशो भगत, ये तुम्हें ऐसी बुद्धि किसी ने सिखाई है दुश्मन ने कि तुम्हारे भीतर से निकली है, हम तुम्हारे गुरु हैं और तुमसे ये बात जानना चाहते हैं, तुमको की बुद्धि दे। परम भाषा में बोल प्रहलाद जी ने पहले बोलने से पहले भगवान को नमस्कार किया। हम लोगों को पहले सिखाया गया था किताब जब पढ़ना शुरू करना हो तो भगवान का नाम लिख लो, किताब बिगड़ जाएगी तो बिगाड़ो ना, किताब में एक कागज रखो सारा, एक लाइन पढ़ते समय पूरी हो जाए तो जब नाम लिख लिया उसी कागज पर, फिर तीसरा पैराग्राफ शुरू हुआ तो नाम लिख लिया, भगवान का स्मरण करते चलो, काम करते चलो, सही खाता हो तो पहले घर से निकलो तो भगवान का स्मरण करके निकलो, ऐसा बरोबर। और इस माया ने हमारे दिल में एक असत ग्राह, बड़ा दुष्ट ग्राह डाल दिया है, ग्राह नहीं है तो ग्राह, ग्राह तो सातवें आसमान में रह के तकलीफ पहुंचाते होंगे, और ये ग्राह, ग्राह माने मगर, इधर क्या बोलते हैं तुम मालूम नहीं, ये पानी में जो मगर बहुत बेहतर जीव है, तो जिसके चित्त में ये ग्राह आके बस गया ये ऐसे ही होना चाहिए, अरे बाबा ऐसे नहीं वैसे ही चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे रज जब रोग न कीजिए कोई कहे क्यों नहीं, हंस के उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जरा दूसरे के मन से मन मिलाना भी सीखो, बाबा अपने ही मन दूसरे पर डालना मत सीखो, ये हमारे मन के अनुसार सब लोग काम करें, बड़ा भारी असत ग्राह हमारे हृदय के सरोवर में, एक असत ग्राह बड़ा भारी मगर भयंकर मगर आके बैठ गया, छोड़ते ही नहीं। एक सज्जन किसी साधु के पास गए और बोले महाराज संसार का बंधन बड़ा कठोर है, बड़ा कठोर छूट पा गया, मैं तो बंध गया, बंध गए, महात्मा जी हंसते रहे, फिर घूमने के लिए निकले तो गया तो एक पेड़ था, महात्मा जी ने दोनों हाथ से उसको पकड़ लिया और बोले दौड़ो दौड़ो रे दौड़ो, बचाओ बचाओ, क्या है महाराज का इस पेड़ ने हमको पकड़ लिया। उस गृहस्थ ने कहा महाराज पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, ये तो आपने ही पेड़ को पकड़ा है, तो तुमको किस बंधन ने बांधा है, तुमको संसार के किसी पदार्थ ने बांध के नहीं रखा है, तुमने अपने को उसके साथ बांध दिया है, और ये धन है ये दौलत है ये संसार, अरे ना बाबा ये ब्राह्मण है ये पापी है पुण्यात्मा है सुखी है दुखी नारकी है स्वर्गी है ये परिचिन्न है, ये सारे दुराग्रह अपने चित्त में बाहर से अपने आरोपित है टूटे हुए हैं, ये कोई दुख देने वाला नहीं है, वह परस्ग्राह उन जन माया करता विमोहित दिया, विमोहित दियाम पुंसा जिनकी बुद्धि संसार में मोहित हो गई है उनके लिए ये अपना है और ये पराया है, ये एक बड़ा दुष्ट मगर हमारे हृदय में भगवान की माया ने डाल दिया है। तो
मालिक को नमस्कार करते हैं। तो ये जो मछुआ लोग मछली मारते हैं ना, जाल 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 फैलाते हैं, मछली उसमें फंसती है जाल, परंतु जो मछली खिसक के मछुए के पाँव में पहुंच जाती है ना, पाँव से निपट गई, पाँव के पास पहुंच गई, अब जाल में नहीं फंसती। तो ये जो माया का जाल दुनिया में फैला हुआ है और इसमें हमारे दिल में स्वयं तो अपनी जगह पर है, वो तो कहीं फंसती नहीं, मैं किसी के साथ आई न गई, और हमारे दिल में एक ग्राह डाल दिया है और हम उस ग्राह से फंस गए हैं, ग्राह ने हमको पकड़ रखा है, कहीं हमको नहीं के संग रहेंगे, हमारा ये पैसा नहीं पूछना चाहिए, मकान नहीं पूछना चाहिए, ये आदमी नहीं पूछना चाहिए, अब वो मकान में तो जिद रहे नहीं, वो तो तुमको पहचानता ही नहीं, तुम रहो कि तुम्हारा दुश्मन है वो तो पहचानता नहीं, मकान तो पहचानता है, रुपया तो पहचानता नहीं, कि हम इनके हाथ में रहे, इनके दुश्मन के हाथ में रहे, जिनको तुम अपना अपना करके आते हो तो वे तो तुमको पहचानते नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल में दुराग्रह ऐसा दुराग्रह बैठा, ये मेरा और ये तेरा, जिसके त्याग का सामर्थ्य जितना कम हो गया तुम्हें है वो उतने दुखी है। सजानुग्रतम पशु दुखे अन्येष तथा योहम इति भेद गता सती। जब परमात्मा प्रसन्न होता है, जब ये ईश्वर की मोहभूत मुख करके खड़ा हो जाता है, जब भगवान प्रसन्न होता है, तब ये पशु बुद्धि जो चित्त में आ गई है, भेद बुद्धि, भेद बुद्धि, ये असती है, हमेशा तुम्हारे पास यही बुद्धि रहेगी, ये सोचना भी बिल्कुल गलत है, आएगी वो भी परसों नहीं रहेगी, ये तो सिखा पढ़ा के बाहर से बड़ी नाशी। जब भगवान कृपा करता है तब मनुष्य को ऐसी सद्बुद्धि आती है, बुद्धे फलम अनाग्रह, बुद्धिमान होने का फल क्या है, तो दुनिया की किसी परिस्थिति में कोई दुराग्रह नहीं रहे, भगवान की राय में राय मिला दे, जो सारी राय तो आप देख लेना। एक बात आपको सूत्र सुना देता हूँ, जिसका भगवान से मतभेद है संसार में वही बुद्धि है, संसार में बुद्धि कौन, जिसने अपनी राय भगवान की राय में नहीं मिलाई, और जिसने अपनी राय भगवान की राय में मिला दी उसको संसार में कोई दुख नहीं है।